हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कुल्लू और मणिकरण, कि अगर आप कुल्लू या मणिकरण जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी साइट सीन आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों, कुल्लू और मणिकरण में काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, जैसे कि है कुल्लू वैली, कसोल वैली, वहाँ पे रैबिट फॉर्म है, सॉल फैक्ट्री है, और इसी के साथ में और आगे जाएंगे तो आपका मणिकरण का गुरुद्वारा पड़ जाता है जो कि लगभग 40 किलोमीटर दूर है। कुल्लू के पास में ही आपको नागर कैसल मिलेगा। तो ये सारी साइट सीन आप पूरे एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप मनाली में हैं तो मनाली से आपको आना है कुल्लू में, और मनाली से आपको डायरेक्टली बस मिल जाएगी कुल्लू की, जो कि मॉर्निंग टाइम पे चलती है। और सबसे अच्छा ऑप्शन है आप प्राइवेट कैब लेके आएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्राइवेट कैब का ये फ़ायदा है कि आप सुबह जल्दी चल सकते हैं वहाँ से, और फिर पूरा दिन कुल्लू घूमने के बाद में अगर आपको लेट भी हो गया तो भी आप वहाँ से वापस मनाली आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुल्लू वैली और कसोल वैली दोनों एक जैसी जगह हैं, चारों तरफ से आपको साइट सीन देखेगी पहाड़ों की। कसोल का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए वहाँ पर जो कसोल वैली है वहाँ पर लोग जाते हैं। साथ में रैबिट फॉर्म है जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा फेमस था, वहाँ पे काफ़ी सारे टाइप्स के वहाँ पे रैबिट वहाँ पे थे, मतलब रैबिट फॉर्म है वहाँ पर, लेकिन इस टाइम पे वो फॉर्म बंद है। इसके अलावा सॉल फैक्ट्री है, आपको कई तरह की आइकॉनिक सॉल मिल जाएगी वहाँ पर, जैसे कि कश्मीना सॉल, वो भी आपको वहाँ पर दिख जाएगी। कुल्लू घूमने के बाद आप जा सकते हैं नागर कैसल। नागर कैसल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहाँ पर, लेकिन वहाँ से जाने के बाद में उसका व्यू बहुत प्यारा दिखता है, मतलब सामने वादियां हैं और वो पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप एक बार जाइएगा, आपको ज़रूर अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे अगर आप सेल्फी वगैरह लेना चाहें तो। देन वहां से आप जाएंगे गुरुद्वारा जो कि मणिकरण में है, वो लगभग आपका 40 किलोमीटर दूर है कुल्लू से। तो अगर आपके पास प्राइवेट कैब है या आप कैब बुक करके जा रहे हैं तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही ईजी रहेगा, आप मणिकरण घूम सकते हैं। अदरवाइज़ कुल्लू से बस भी चलती है मणिकरण के लिए, टाइमिंग आपको पता करना पड़ेगा या आप कमेंट कर देना तो मैं टाइमिंग बता दूंगा। जो मणिकरण है, मणिकरण में आपको गुरुद्वारा मिलेगा देखने को, जहां पे आपको हॉट स्प्रिंग वाटर मिलेगा। हॉट स्प्रिंग वाटर बेसिकली एक गर्म पानी का कुंड है जहाँ पर प्रसाद वगैरह वो वहीं से बनाते हैं। तो मणिकरण फेमस होने की एक वजह ये भी है कि वहाँ पर गर्म पानी का कुंड है, मतलब वहाँ पर हॉट स्प्रिंग वाटर के नाम से वो फेमस है। तो बेसिकली आपको कुल्लू और मणिकरण में यही सारी चीज़ें फेमस है। इसके अलावा वहाँ पे ट्रैकिंग होती है जो कि खीर गंगा की ट्रैकिंग है, और ये ट्रैकिंग लगभग 11 किलोमीटर का रूट है। आपको ट्रैकिंग करना हो तो 11 किलोमीटर जाना, 11 किलोमीटर आना, लगभग 22 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। बरसात के टाइम पर आप ट्रैकिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर कीचड़ वगैरह हो जाता है। बाकी नॉर्मली ठंड में लोग जाते हैं और आपका पूरा समर सीज़न पर वो चालू रहता है। इसके अलावा अगर आप रुकना चाहें तो कुल्लू में भी रुक सकते हैं, काफ़ी सारे होटल्स हैं कुल्लू में भी। तो कहने का मतलब है कि कुल्लू अगर आप जा रहे हैं तो पूरे एक दिन के साइट सीन पूरा कवर हो जाता है। अगर आप मॉर्निंग में मनाली से निकलेंगे तो आप पूरा दिन घूमने के बाद में अंधेरा होते होते आप वापस होटल पहुँच जाएंगे, तो कम्प्लीट साइट सीन एक दिन की हो गई कुल्लू की। अगर आप रात में रुकना चाहें तो वहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये है कि कुल्लू आपका स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है, वहाँ पर वाटर राफ्टिंग या रिवर राफ्टिंग होती है, क्योंकि वहाँ से ब्यास रिवर निकलती है और पानी काफ़ी ज़्यादा उथला होता है, तो वो एक बहुत ही अच्छी जगह है आपका वाटर राफ्टिंग करने के लिए। इसके अलावा आपका वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी देखने को मिलेगी, पैरासीलिंग या पैराग्लाइडिंग। पैरासीलिंग बेसिकली एक रोप लगी होती है जो किसी के द्वारा खींचते हैं, जैसे जीप के द्वारा होता है, कभी कभी नाव के द्वारा होता है। और पैराग्लाइडिंग में ये होता है कि डायरेक्टली आपको पहाड़ की चोटी से आपको ग्लाइड करना है पैरासूट के थ्रू। तो पैराग्लाइडिंग और वाटर राफ्टिंग, ये दो चीज़ फेमस है आपको कुल्लू में। तो आई होप गाइज आपको ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप एक लाइक बटन दबा देना, और अगर आपके पास कोई क्वेरी है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।